नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 52,574 की और बैंक निफ्टी ने फ्राइडे की क्लोजिंग से 232 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया। और बैंक निफ्टी को अगर ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमारे पास ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, ये जो जोन है स्ट्रांग सपोर्ट है। क्योंकि देखिए, पहले हमने यहाँ पर हाई लगाया और हाई लगाने के बाद क्या किया, हमने तीन दिन यहाँ पर कंसॉलिडेट किया और कंसॉलिडेशन के बाद हम ऊपर की साइड में निकले और यहाँ से हमने 52,000 से लेकर के 3,200 के पास तक की जर्नी की। उसके बाद हम दो दिन यहाँ पे वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग के बाद में आज मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे 232 पॉइंट ऊपर की साइड में जाके क्लोज हुआ, लेकिन इसी लेवल के आसपास का लो लगा के गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, डेली चार्ट पे क्या है, ये स्ट्रांग सपोर्ट है। स्ट्रांग सपोर्ट देखिए कहीं पर भी मार्केट जाए, जैसे मार्केट अभी यहाँ पर गया है, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट इसी जगह पर दो दिन तीन दिन या एक दो दिन और होल्ड करने के बाद जब इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकलेगा तो ये जो जोन होगी ये एक स्ट्रांग सपोर्ट हो जाएगी। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे देखिए मार्केट एक बड़ा मूवमेंट लिया, इस बड़े मूवमेंट के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टाइम बिताया तीन दिन, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया। तो अब मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट एक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 1200-1300 पॉइंट की रैली हुई। इसके बाद मार्केट अब क्या कर रहा है, कंसॉलिडेट कर रहा है। मार्केट के लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि जिन लोगों ने भी इस जोन के अंदर में कहीं पर बाइंग किया होगा या ब्रेकआउट पर बाइंग किया होगा तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसका स्टॉप लॉस इस जगह पर लगा के रखेंगे जहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के थोड़ा सा नीचे, यानी मान के चलिए कि 51,888 इसके लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जोन का स्टॉप लॉस लगाते हैं जो कंसोलिडेट होता है, जहां पे कंसोलिडेट होता है तो ये ज्यादा सेफ होता है। तो लोग को स्टॉप लॉस क्या होगा, एक स्टॉप लॉस कहां पे लोग लगा के बैठे होंगे, 51,122 का, यानी दो स्टॉप लॉसेस होंगे। जिन्होंने छोटे मूव के लिए लिया होगा यानी तीन चार पाँच दिन का व्यू होगा तो उनका क्या होगा, जिन लोग ने इस जगह पे कहीं पे बाइंग किया होगा उनका नज़रिया क्या रहेगा कि मार्केट अगर इसी रेंज के नीचे ये ट्रेड करने लगेगा तो ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे और इसके ऊपर निकलता है तो एक मूव इनको और मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी जोन के अंदर में बाइंग कर लेते हैं, जो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जिनको लगता है कि हाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट लेके कंटिन्यू ऊपर जा रहा, तो जिन्होंने इस जोन के अंदर में बाइंग किया होगा उन लोगों का एसएल यहाँ पे होगा। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो तीन दिन चार दिन या वीकली व्यू बना के रखा होगा उन लोगों का एसएल इसी जगह पर होगा, क्योंकि जहाँ पर ब्रेकआउट करता है ब्रेकआउट के थोड़ा सा नीचे लोग क्या करते हैं, एसएल लगा के रखते हैं, इसी तरह का माइंड सेट होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर एसएल क्या होगा, 51,888। तो ये जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक क्या है, ये स्ट्रांग सपोर्ट है। जब मार्केट इसके नीचे क्लोज लगता है तो फिर क्या होगा, ये वाली जोन ओपन हो जाएगी, यानी यहां से लेकर के यहां तक, यानी 51,800 से लेकर के 51,122 ये वाली जोन यहां पे ओपन होगी। अगर इसके बीच में एक दो दिन कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड में निकलता है तो जितनी ये रेंज बनी है यही रेंज ऊपर की साइड में यहां पे टारगेट आपको देखने को ऊपर की साइड में निकल सकता है। यानी मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा, ये जोन, ये जो जोन का जो भी डिस्टेंस है, यानी जो भी यहां से मान लीजिए यहां से कितना निकला, 52,000 से लेकर के हम कहां गए 53,200 तक है, तो जब जैसे ये यहां से निकलेगा तो यही जो रेंज होगी वही रेंज इसका ऊपर की साइड में एक नया मूव यहां पे बनते हुए दिखेगा। चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। दोस्तों, अब मैंने यहां पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो हमने ये हाई लगाया, ये हाई लगाने के बाद हमने क्या किया, यहां पर हमने कंसॉलिडेट किया, ये हाई लगा, इस हाई के बीच में हमने पहले भी यहां पर कंसॉलिडेट किया था, हाई लगाने के बाद वापस हमने एक दिन इसी रेंज के बीच में कंसॉलिडेट किया, 28 तारीख को हमने ओपनिंग इसी रेंज के ऊपर की और आके हमने नीचे की साइड में जाके हमने क्लोजिंग। तो अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 15 मिनट के चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस है, यानी बैंक निफ्टी के लिए ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी के लिए ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो अगर बैंक निफ्टी, अगर 15 मिनट के चार्ट पे हमारे पास ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, आज यहां पे ओपनिंग होकर हम धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में गए तो यहां पे क्या होगा, एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एक ट्राइंगल पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पे बनते हुए आपको दिखेगा, जिसकी अपर एंड जो है वो यहां पे क्या है, ब्रेकआउट लेवल यहां पे क्या हो सकता है, ये वाली रेंज, यानी ये जो जोन है 52,700 जिसको हमने क्या किया था, 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे यहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद हमने ब्रेक किया था, एक बार हम ऊपर की साइड में गए कोशिश किया लेकिन इसी जगह पे आसपास आके इसने रेजिस्टेंस लिया, सेलर यहाँ पे फिर से एक्टिव होकर नीचे की साइड में लेके गए, अब धीरे धीरे करके ये ऊपर जाते, तो इसके लिए क्या है बेस, क्या इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस क्या बनेगा, रजिस्टेंस ये बनेगा कि इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर सेलर इसको देखते रहेंगे, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो सकते हैं, हो सके कल इसी जोन के बीच में अगर मान लीजिए कहीं पर ओपन होता है और टाइम बिताने के बाद
जिस भी रेंज को ब्रेक करता है, अगर इस ट्रायंगल पैटर्न को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हो सकता है कि वापस फिर यहाँ पे आके ये सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो फिर रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 53,000, ये इसके लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ही साइड में कुछ बड़े मूव की उम्मीद अभी नहीं है। बड़े मूव कब आएंगे या शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, मान लीजिए बहुत सारे लोग का एसएल होगा यहाँ पे, तो जब तक इस लेवल को वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। या फिर इसी जोन के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे मंडे ट्यूजडे को भी इसी जोन के बीच में रह जाए नीचे की साइड में इस रेंज में, और ट्यूजडे को इसी रेंज के बीच में रह जाए, फिर क्या होगा, जो ट्यूजडे को और मंडे को, देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, कुछ लोगों ने सेल किया होगा, जो बाइंग किया होगा उन लोगों ने अपना एसएल क्या लगा के रखा होगा नीचे की साइड में, जिन्होंने सेल किया होगा उनका एसएल क्या होगा ऊपर की साइड में। तो अगर एक दिन और मान लीजिए यहाँ पे टाइम बिताता है तो उसके बाद एक अच्छी मूव मिलेगी, फिर वो जो मूव मिलेगी वो 300-400 पॉइंट की मूव हो सकती है, क्योंकि दो दिन का कंसोलिडेशन के बाद में वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, अगर कल का टाइम अगर होल्ड कर जाए, मान लीजिए कल होल्ड नहीं करता इसी जोन के बीच में ओपन होता है और कुछ देर बाद मान लीजिए आधे घंटे एक घंटे बाद में यहाँ पे ब्रेक करता है, तो फिर क्या करें ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस होगा, हो सके इस जोन के बीच में फिर ये कंसोलिडेट करने लगे। अगर यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर ये जो मूव होगा ये बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, 300-400 पॉइंट का ये मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये मूव बुधवार को हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल का सेशन ये कंसोलिडेट कर ले, क्योंकि पिछले दो दिन तीन दिनों से गिरते हुए आ रहा था, आज ऊपर की साइड में गया है। अगर कंसोलिडेट करने के बाद में अगर ब्रेक करेगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग कर चुके होंगे तो उनका एसएल कटेगा, तो बहुत तेजी से नीचे की साइड में आएगा। ऊपर की साइड में बड़ा मूव आप तभी सोचिएगा जब ये 53,055 के ऊपर कंसोलिडेट करने लगेगा, तभी ऊपर की साइड में कुछ अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।